फिर सांस भीतर लेते हुए घुटनों तक आए और दोनों घुटनों को शिथिल करते जाए। रोक ले सांस को, अनुभव करे। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाए, वहीं पे रोक ले, अनुभव करे। फिर सांस लेते हुए झंगा को, दोनों पैरों की झंगा को शिथिल करते करते आगे बढ़े, और जब सांस गहरी भर ले तब वहीं रोक ले और शिथिल होने का अनुभव करे। धीरे धीरे सांसों को छोड़े, और जब संपूर्ण सांस बाहर निकल आए तो उसे वहीं रोक दे। फिर इसी प्रकार से सांसों को भरते हुए गुदा द्वार तक शरीर को शिथिल करते जाए। सांसों को रोक ले, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़े। जब संपूर्ण सांस बाहर निकल जाए वहीं रोक ले और अनुभव करे, शिथिलता का अनुभव करे। फिर गहरी सांस लेते हुए मणिपुर चक्र तक, यानी कि नाभि तक शरीर को शिथिल करते जाए। अनुभव करें कि मेरे जितने भी प्रकार के कष्ट है, व्याधि है, आधी व्याधि उपाधि सारी नष्ट हो रही है। पेट संबंधी सारी व्याधि दूर हो रही है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सुख का, आनंद का अनुभव करें। फिर दोनों हाथों को शिथिल करते जाए, गहरी सांस ले और दोनों हाथों की उंगलियों को शिथिल करते करते ऊपर की ओर आए। सांस को रोके, धीरे धीरे छोड़ते हुए जब संपूर्ण सांस बाहर निकल जाए तो उसे वहीं रोक ले। फिर गहरी सांस भरते हुए कोहनी तक के अंग को शिथिल करते जाए और यह धारणा करे कि मेरे शरीर के भीतर जितने भी आधी व्याधि उपाधि है वह दूर हो रही है और मैं निरोगी हो रहा हूँ, शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से। धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हुए आनंद का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे। सांस बाहर ही रोक ले, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए बाजुओं को, कंधों तक शरीर को शिथिल कर दे और धारणा करे कि जितने भी प्रकार के मांसपेशियों के दर्द है, व्याधि है, उपाधि है, सब दूर हो रहे हैं। सांसों को
छोड़ते हुए फिर उसे बाहर ही रोक ले। फिर सांस भरते हुए गले से ऊपर मुखमंडल, आँखों को, नाक, कान, भौंहें, मस्तिष्क तक के सभी अंगों को शिथिल कर दे और अनुभव करे कि सभी आदि व्याधि उपाधि दूर हो रही है। धीरे धीरे सांसों को छोड़कर वहीं रोक ले। अब संपूर्ण शरीर को दृष्टा भाव से शिथिल हुआ महसूस करें। अब केवल सांसों सांस पर ध्यान केंद्रित रखें। सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। केवल दृष्टा भाव से सांसों सांस का अवलोकन करें। ये तब तक करें जब तक उचित शिथिलीकरण की अवस्था में रह सके। सांस आ रही है, सांस जा रही है।